दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जे एम डी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले भारत में आज भी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को समाज में सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता है वहीं भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहां एक जनजाति पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परंपरा का अनुसरण करते हुए आई है करसिया जनजाति के लोग एक ही घर में शादी से पहले साथ रहते हैं और एक बच्चे के जन्म के बाद ही वो शादी करने या नहीं करने का फैसला लेते हैं इस जनजाति में महिलाओं को ऊंचा दर्जा प्राप्त है यहाँ पर रेप और दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाएं बहुत ही कम होती है खेती पर निर्भर रहने वाली इस जनजाति के लोग तभी शादी करते हैं जब इनके पास पर्याप्त धन होता है लड़के का परिवार पहले लड़की के परिवार को कुछ पैसे देते हैं और उसके बाद ही कपल एक साथ लिविन में रहना शुरू करता है कपल के शादी करने के निर्णय लेने के बाद लड़के का परिवारिक शादी का सारा खर्चा उठाता है वही विवाह समारोह का आयोजन लड़के के घर पर ही किया जाता है महिला अपनी इच्छा से किसी और पुरुष के साथ लिविन में रहने का निर्णय ले सकती है ऐसा होने पर नए पुरुष पार्टनर को उस महिला के साथ रहने के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है यह जनजाति राजस्थान के उदयपुर सिरोई और पाली जिले में अधिकांश में पाई जाती है इस जनजाति की परंपरा के अनुसार लड़के लड़कियों को जवान होने पर शादी से पहले इस अनूठी परंपरा को निभाना पड़ता है साथ ही शादी के लिए अनोखी शर्त यह होती है कि लिव इन में रहने के दौरान ही उन्हें बच्चा पैदा करना होता है अगर वे बच्चे को जन्म दे देते हैं तो दोनों परिवार को बुलाकर उनकी शादी करवा दी जाती है लेकिन यदि लिव इन में रहते हुए बच्चा नहीं होता तो दोनों अलग हो जाते हैं और दूसरा पार्टनर तलाशते हैं गर्सिया जनजाति में इस प्रथा को दापा प्रथा कहते हैं गर्सिया जनजाति में दो दिन का विवाह मेला लगता है जिसमें लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं और भाग जाते हैं भागकर वापस आने पर लड़का लड़की दोनों बिना शादी के साथ में रहते हैं इतना ही नहीं अगर महिला चाहे तो मेले में दूसरा लिव इन पार्टनर भी चुन सकती है लेकिन नए लिव इन पार्टनर को पुराने पार्टनर के मुकाबले ज्यादा पैसे देने होते हैं इन लोगों की इस परंपरा को मानने के पीछे बहुत पुरानी अवधारणा है कहा जाता है कि सालों पहले गरासिया जनजाति के चार भाई थे जो अलग अलग जाकर बस गए इनमें से तीन भाइयों ने शादी की और एक कुमारी लड़की के साथ लेविन में रह। और एक ने एक कुम्वारी लड़की के साथ लेविन में रहने लगा शादी के कई सालों बाद भी इन तीनों भाइयों की कोई संतान नहीं हुई जबकि लिविन में रहने वाले के संतान हो गई और उसी से वंश आगे बढ़ा बस इसी धारणा के चलते समाज के लोगों ने इसे परंपरा के रूप में अपना लिया दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नई वीडियो में